नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल टेक पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। और मैं आज आपको बता दूं, मैं यहां पर स्केचअप प्रो 2019 जो कि अभी अभी रिलीज़ हुआ है उसके ऊपर बहुत सारे वीडियोस बनाकर इस चैनल के ऊपर अपलोड करने वाला हूं, जिसमें आप अपने मकान तथा बिल्डिंग्स के नक्शे बनाकर उनको पहले से ही 3D में देख सकते हो कि आखिर आपका मकान बनने के बाद कैसा लगेगा। और इसके बारे में मैं बता दूं, यह गूगल का प्रोडक्ट है जिसको के ट्रायल बेस पर आप गूगल से बड़े आराम से सर्च करने के बाद, डाउनलोड करने के बाद अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में इंस्टॉल कर सकते हो। और इसकी रिक्वायरमेंट भी कुछ खास नहीं है। मैं आपको बता दूं यह किन किन कंप्यूटर्स में इंस्टॉल होगा। इसके इंस्टॉलेशन के लिए आपके पास अगर विंडो 7 है वह SP1 वर्जन में होनी चाहिए, या फिर आपके पास विंडो 8 से ऊपर, विंडो 8 या फिर विंडो 10 है तो उसमें इसकी कोई भी खास रिक्वायरमेंट नहीं है। यह किसी भी विंडो 10 तथा किसी भी विंडो 8.1 में इंस्टॉल्ड हो जाता है। और आप अपने मकान का नक्शा 3D में इसमें पहले से ही तैयार कर सकते हैं और उसमें लगने वाली कॉस्ट तथा एस्टीमेट का भी पता कर सकते हैं। जिससे होगा ये कि भारत में जितने भी कंस्ट्रक्शन के काम चल रहे हैं ज़्यादातर ग्रामीण एरिया में चल रहे हैं, और वह लोग अपने मकान का नक्शा यानी स्ट्रक्चर तैयार नहीं करते हैं, जिससे कि वह कभी अपने मकान के 2 कमरे बना लेते हैं तथा कभी लैट्रिन तथा बाथरूम बना लेते हैं। मेरा मानना है कि हमारे देश भारत में 80% से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो अपना मकान एक साथ पूरा इकट्ठा खड़ा नहीं करते हैं तथा वह कभी 2 कमरे बना लेते हैं तथा कभी लैट्रिन तो कभी बाथरूम, जिसमें कि आदमी का दिमाग हर समय चेंज होता रहता है और उसके दिमाग के अंदर भी अपने मकान का नक्शा का स्ट्रक्चर हर समय चेंज होता रहता है, जिसमें उसकी छत कहीं नीचे रह जाती है तो कोई छत ऊँची हो जाती है। इन सब से बचने के लिए आप अपने घर का स्ट्रक्चर पहले ही तैयार कर सकते हैं। यह सॉफ्टवेयर एकदम फ्री है। इसको आप गूगल से डाउनलोड करके इसको अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करने के बाद आराम से इसके ऊपर आप नक्शा बना। इस वीडियो में मैं इस सॉफ्टवेयर के इंस्टॉलेशन तथा इसके कुछ बेसिक जानकारी दूंगा, जिसको देखने के बाद आप इसको इंस्टॉल करें तथा इंस्टॉल करने के बाद आप धीरे धीरे मेरे आगे आने वाले वीडियोज़ को देखने के बाद आप इस पर काम कर सकते हैं और अपने घर का नक्शा तैयार कर सकते हैं। मेरा मानना है कि मार्केट में इस तरह के काम करने वाले लोग बहुत कम हैं, इसलिए आप यदि चाहें तो आप इन वीडियोस को देखने के बाद आप छोटी मोटी दुकान भी चला सकते हैं, जिसमें कि आप मकान के नक्शे हट तथा किसी भी प्रकार की अच्छी से अच्छी 3D मॉडलिंग तैयार कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं स्क्रीन के ऊपर। दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है कि मैं आज से स्केचअप प्रो 2019 की शुरुआत करने वाला हूं। इसको डाउनलोड तथा डाउनलोड होने के बाद इंस्टॉल कैसे किया जाता है तथा इसका इंटरफेस किस तरह से दिखाई देता है, इसके बारे में मैं आज आपको बताऊंगा। और इसी तरह से 3D मॉडलिंग के बारे में धीरे धीरे वीडियोज़ में बनाने वाला हूँ, जिसको देखने के बाद आप अपने मकान का किसी भी प्रकार का नक्शा तैयार कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ, इस काम को करने के लिए आप कोई भी ब्राउज़र ओपन करें। मैं यहाँ पर क्रोम ब्राउज़र ओपन कर देता हूँ। यहाँ पर लिखें स्केचअप, और एंटर प्रेस करें। इस तरह से यहाँ पर कुछ ऑप्शंस खुल के आएंगे, जिसमें यहाँ पर लिखा हुआ है स्केचअप फ्री, इस पर क्लिक करें। और यहाँ पर इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वह खुल कर आ जाएगी। इसमें आप जब लास्ट में जाएंगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा, देखिए गेट स्केचअप फ्री, इस पर आप क्लिक करें, जिससे कि आपका स्केचअप का जो सॉफ्टवेयर है वो डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि मैं पहले से ही इसको डाउनलोड करके रखा हूँ, इसलिए मैं आपको इसका सेटअप दिखाता हूँ। डाउनलोड होने के बाद आपको कुछ इस तरह से एक फाइल मिलेगी जो कि बिन की फाइल होगी, और इसको आप राइट क्लिक करने के बाद यहाँ से आप एक्सट्रैक्ट हेयर दबाएंगे तो यह फाइल एक्सट्रैक्ट हो जाएगी, देखिए कुछ इस तरह से। यहाँ पर आपको इसके जस्ट ऊपर में एक फोल्डर बन के आ जाएगा, तो यहाँ पर क्लिक करें। यहाँ पर देखिए कुछ इस तरह से आपको नजर आएगा। इसमें आप यह वाला जो सेटअप वाली फाइल है इस पर डबल क्लिक करें। और इस पर यस पर क्लिक करें। यदि आपके पास विंडो 7 का प्रो वर्जन नहीं है तो यह प्रोसेस यहीं पर रुक जाती है और आप इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल नहीं कर पाओगे। और यदि आपके पास विंडो 10 या फिर विंडो 8.1 या फिर 8 है तो आप बड़े आराम से इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर पाओगे, क्योंकि यह सॉफ्टवेयर 3D मॉडल पर काम करता है, इसलिए विंडो 7 के
कुछ वर्जन्स पर यह इंस्टॉल्ड नहीं होता है, आपको यहाँ पर दिक्कत आ सकती है। तो यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करें इस तरह से। अभी यहाँ पर फिनिश पर क्लिक करें। तो देखिए मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। आपको यहाँ पर यह तीन ऑप्शन नज़र आ रहे होंगे, लेआउट 2019, स्केचअप 2019 और स्टाइल बिल्डर्स। इन तीनों में अलग अलग काम होते हैं। मैं पहले आपको स्केचअप 2019 में काम करना सिखाऊंगा। तो चलिए मैं यहाँ पर डबल क्लिक कर देता हूँ। देखिए यहाँ पर इसका ओपन होने के बाद इंटरफेस आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगा। यहाँ पर है सिंपल सिंपल और आर्किटेक्चुअल। आप चाहें किसी पर भी क्लिक कर दें, सभी में एक जैसा ही आएगा। यहाँ पर देखिए जो इसका डायमेंशन रहेगा वो इंची में रहेगा, यहाँ पर मीटर में और यहाँ पर मिलीमीटर में। इस तरह से आप चाहे जिसमें आपका डायमेंशन है उसमें आप क्लिक करें। मैं यहाँ पर मीटर वाले में क्लिक कर देता हूँ इस तरह से। तो यहाँ पर देखिए कुछ इसका इंटरफेस आपको इस तरह से दिखाई देगा। यह अंकल जी आपको बीच में खड़े हुए नज़र ही आएंगे। आप चाहें तो इनको हटा सकते हैं। यहाँ पर देखिए इसके कुछ टूल्स हैं, मैं इनके बारे में आपको बारी बारी से बताऊंगा। और इसके और भी टूल्स इसके अंदर छुपे हुए हैं, वह कहाँ से निकाले जाते हैं इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर देखिए कुछ ग्रिड लाइन्स दी हुई हैं। जब आप यहाँ पर कोई भी लाइन खींचोगे तो यहाँ पर जो लाइन खींचोगे उसका कलर इन वाली ग्रिड लाइन से मिलता हुआ आता है। तो इससे यह पता लगता है कि जो हम लाइन खींच रहे हैं वह किस दिशा में जा रही है। तो इसलिए यहाँ पर यह कुछ ग्रिड लाइन्स दी गई, इसके बारे में मैं आपको गहराई से बताने वाला हूँ। इसके बाद मैं आपको बता दूँ, आपको इस तरफ जो डिफ़ॉल्ट ट्रे दिख रहा है यह भी यहाँ पर अगर आता है तो ठीक है, और नहीं आता है तो आप कहाँ से इसको निकाल सकते हैं इसके बारे में भी मैं आपको बताने वाला हूँ। अभी यहाँ पर आप इस सेट से कोई भी कंपोनेंट्स यानी कलर मटेरियल या फिर कलर वगैरह कुछ भी इस साइड से ले सकते हैं। यह कैसे काम करता है हम आपको इसके बारे में बारी बारी से बताने वाले हैं। अभी यहाँ पर कुछ आपको इंटरफेस इस तरह का दिखेगा। तो यदि आप इस सॉफ्टवेयर के बारे में सब कुछ सीखना चाहते हैं तो आप इस चैनल के नीचे दिख रहे लाल बटन को ज़रूर प्रेस करें। तो दोस्तों आपको आज का यह वीडियो हमारा कैसा लगा इसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और मैं एक चीज़ और बता दूँ, यदि आप फोटोशॉप या फिर ऑफिस का किसी भी तरह का काम जैसे कि एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या पावर पॉइंट या फिर अदर चीज़ें भी सीखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल के नीचे दिख रहे लाल बटन को दबाकर इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि हमारे आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ऐसे ही इसी सीरीज़ में आपके लिए मैं 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे करके पार्ट लेके आने वाला हूँ, जिसमें कि मैं आपको अच्छी अच्छी 3D मॉडलिंग किस तरह से की जाती है उसके बारे में भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो के नीचे दिख रहे लाल बटन को आप जरूर प्रेस करें, जिससे कि इस चैनल पर जितने भी वीडियो अपलोड होंगे उनकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय हिंद, जय भारत।